ये देखो थोड़ा सा टच कर लेते हैं यार, वापस पता नहीं कब आएंगे। भाई पत्थर का सपोर्ट लेके चढ़ रहा हूँ, अगर ये पत्थर गया तो नीचे पूरा देखो सीन ऐसे पूरी, मतलब पूरी चढ़ाई अब स्टार्ट होने वाली है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। खमा गणी, मैं हूँ शक्ति और आज अब केदारनाथ यात्रा का दूसरा दिन है जिसमें हम लगा रहे कैंपिंग में, और कैंपिंग में हम इस सामान वगैरह सारा पैक हो गया है। अब हम जाएंगे केदारनाथ ट्रैक पे। तो मॉर्निंग, एक और सुबह के साथ आपका स्वागत है केदारनाथ में। और हमने ये सामान हमारा पैक कर लिया है, देखो ये पूरा सामान पैक हो गया है। वेट खूब ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे मैंने क्लॉक रूम का है ना पूछा था, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा था यार क्लॉक रूम। मौसम कुछ ऐसा है और शानदार, पूरी रात नदी की आवाज़ आ रही थी झुन 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 झुन। जा रहे हैं धीरे धीरे भोले के शरणों में। ट्रैफिक देखो, और इसी भीड़ में मजा आता है वैसे तो। ये जो लाइन खड़ी है यहाँ से सोनप्रयाग से गोरीकुंड के लिए लाइन लगी हुई है, पीछे देख रहे हो ना, लेकिन मैं लाइन नहीं लगूंगा। जय हो, चालू है जय बाबा की, चलते रहो चलते रहो। मैं तो गोरीकुंड पैदल जा रहा हूँ सोनप्रयाग से। अगर आप पैदल नहीं जाना चाहते तो यहाँ से सूमो मिल जाएगी, बुलेरो, बहुत कम किराया रहता है लेकिन लाइन बहुत बड़ी रहती है। तो जैसा आपको सुटेबल लगे निकल जाना अपने रास्ते। हम भी अपने रास्ते जा रहे हैं पैदल पैदल। सबसे जरूरी बात, आप जब यहाँ आते हो तो आपका जो एक्स्ट्रा सामान है उसको आप यहाँ रख सकते हो। 100 रुपए चार्ज लेते हैं भैया अंदर, और 100 रुपए में आपका सामान बढ़िया सेफ रहता है और बढ़िया आराम से, जितना कम सामान रहेगा उतना ऊपर बहुत मजा आएगा ट्रैकिंग में, क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर नजारे आने वाले हैं। और ये एक बैग लेके जा रहा हूँ, उसमें अपना टेंट है, फिर भी है 10-15 किलो तो है ही, तो एक बैग में मैंने पूरा खाली कर दिया सामान। ऊपर आप जाओ तो पहनने का कुछ मत लेके जाओ, क्योंकि आप एक दिन रुकोगे, पैंट शर्ट कुछ वगैरह चलता है। अभी गोरीकुंड में नहाऊंगा बढ़िया और रिलैक्स बॉडी, फिर नाश्ता करके फिर अपन निकल देंगे ट्रैक पे। क्या हल्का महसूस हो रहा है, एकदम सुकून मिल रहा है। तो आप भी आओ तो फालतू सामान मत लेके जाना, सामान रख देना, इसमें फायदा मिलेगा आपको। अब देखो यहाँ से अपन को पैदल जाना है कम से कम 17 किलोमीटर, इधर से 17 किलोमीटर पैदल चलने के बाद देखते हैं क्या भोले बाबा कैसे दर्शन देते हैं हमें। छोटा सा एक नदी का व्यू दिखाता हूँ आपको, देखो इस नदी के किनारे जो कैंपिंग करता है ना भाई साहब, क्या नींद आती ना उसको। अब गोरीकुंड में स्नान करेंगे, ये देखो यहाँ बढ़िया से एकदम थकान उतारे। क्यों बाबू जी, ठीक है भाई? बाबू जी स्माइल क्या थी यार, यहाँ क्या अगर थोड़ा सा पानी में डुबकी लगा लोगे ना तो इतनी दूर की पूरी थकान आपकी उतर जाएगी एकदम। यहाँ स्नान करो फिर जाओ भोले के दरबार में। और एक छोटा सा कुदरत का चमत्कार, ऐसी जगह कोई पानी गर्म नहीं कर रहा है, पता नहीं कहाँ से निकलता है ये गर्म पानी, एकदम गर्म पानी। आप भाप देख सकते हो, ये सब नहा रहे हैं, देखो हैं, ये देखो पानी के अंदर नहा रहे एकदम, और ये गर्म पानी भाप देख रहे होंगे आप बिल्कुल। और यहाँ नहा लेना पूरा शरीर का आपका, सब कुछ थकान उतर जाएगा।
वो देखो उसमें से पानी निकल रहा है। एक पराठा और 50 रुपए की चाउमीन। ये दीदी बना रहे हैं, ये भैया, भैया पराठा बना रहे हैं मेरे लिए। क्या दबा के भीड़ है यार। थोड़ा रेस्ट क्योंकि बैग बहुत भारी लग रहा है। अभी 3 या 4 किलोमीटर तक ऐसे सीधी चढ़ाना है और फिर एकदम से बराबर है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। चलते हैं बढ़िया। ये देखो पूरा रास्ता ये पार किया है और अभी तो ये पार करना है। और अभी पहुंच गया हूँ भीमबली हेलीपैड, पीछे दिख रहा होगा आपको। और यहाँ पे इधर ही कहीं उतरता है, कुछ इमरजेंसी में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो। और यहाँ थोड़ा पैर वेर पूरे जाम हो चुके हैं। अभी हमारे डॉक्टर साहब है यूपी से, और ये भैया जी है। भैया थकान वकान कितनी अच्छा था, व्यू भी अच्छा है देखो इधर, और ये इस तरफ भी व्यू अच्छा है, काफ़ी लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे। और बस अभी खूब देर तक मेरे को रेस्ट करना है और रेस्ट करके फिर आगे निकलूँगा। अभी कम से कम 3 किलोमीटर तक ऑन द स्पॉट आया हूँ बिना रुके, क्योंकि मैं यही ढूंढ रहा था कोई अच्छी जगह मिलेगी वहीं बैठूंगा। बीच में बार बार रुकते हैं ना तो फिर वापस चलने में बहुत मुश्किल होती है। और ये अपना तो अगर आप आओ तो बस जरूरी चीज़ें तो क्या है, आप साथ में लकड़ी भी वहाँ से खरीद सकते हो, रेनकोट ले आना और अपना सोने का सिस्टम ऊपर लेके चलना। अगर आपको होटल का किराया नहीं देना है तो अपने मेरे जैसे ये टेंट खरीद लेना केचुआ का, 2500 रुपये को पड़ता है, मैट और स्लीपिंग बैग। और चलते बनो, जहाँ जगह भी ले वहाँ पे अपना टेंट लगाओ और सो जाओ आराम से। तो ये पूरा देखो सीन है, पूरी मतलब पूरी चढ़ाई अब स्टार्ट होने वाली है ज़्यादा। ये देखो जूतों की हालत देखो मेरी, पूरा हो रहा। और ये सीन केदारनाथ के दर्शन होने वाले हैं कुछ ही देर में। मौसम है अभी तक तो बारिश हो ही नहीं। गाइस अभी ये आप देख रहे हो नदी, मंदाकिनी नदी, और बहुत ही तेज इसका बहाव है। और ये देख रहे होंगे आप, ये टूटा हुआ जो है ये पुल टूट गया था पहले। ये है 2013 में जो बाढ़ आई थी ना उसका नज़ारा है, खौफनाक। 2000 देख के भी वैसा लग रहा है थोड़ा। और अभी भी बहाव बहुत तेज है नदी का, देखो आपको दिखा दूँ। ये देखो नीचे देखो, यहाँ देखो कप्पा जी। अब देखो सीधी चढ़ाई एकदम लास्ट तक, एकदम ऊपर तक चढ़ाई है, पूरी कमर झुक रही नीचे तक। वो आंटी जी देखो थोड़े हेल्थी में दिख रहे, जो वो ठेठ नीचे से ऐसे पैदल चलते आ रहे हैं, चाहे धीरे धीरे आ रहे हैं लेकिन अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। एक दो बार हिम्मत आ रही लेकिन फिर से भोलेनाथ का नाम लेके चल रहे। ये देखो ये है ना फेट नीचे से रास्ता, देखो पूरा गीला है। अरे पैसा जूते थोड़े काम आ रहे हैं भाई साहब, रिस्की बहुत है देखो। Thank you.
दिखा रहे हो जवानी। भाई ये पत्थर का सपोर्ट लेके चढ़ रहा हूँ, अगर ये पत्थर गया तो नीचे। ये देखो रिस्क के सामान, मंदाकिनी नदी और हम चढ़ रहे हैं, और अभी ये लोग इधर जा रहे हैं, हम भी इधर जाएंगे। आराम से और क्या। आज कर ली भाई ट्रेकिंग तगड़ी। क्या दीदी आप भी इधर से आए हो? बिल्कुल सही है। वहां तक जाना है अपन को। बस ट्रैकिंग पूरी होने वाली है अपनी। बैग उतार दिया और अब थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। दो हजार 2013 में जो बाढ़ आई थी ना, उसका थोड़ा बहुत और मैं दिखाता हूँ आपको। ये रास्ता देख रहे हो आप, ऐसे गया फिर ऐसे गया। ये 2013 से पहले ये रास्ता था, फिर जो बाढ़ आई थी वो ये ऊपर से पूरा बहता हुआ यहाँ तक आ गया। और सोचो कितनी बुरी तबाही हुई उस टाइम यार। और वो रास्ता ऐसे होते हुए जाता है, और अभी रास्ता ये वाला है नया, जो नया बना है जिससे हम जा रहे हैं, जिससे यह यात्री आ रहे हैं। ये नया रास्ता है और ये पूरा वैसे है। रास्ते में मिले भाई को, लाइक एंड सब्सक्राइब करें भाई को। ओके सुने कुछ लगे? ये व्हाइट व्हाइट पता है क्या है? ये बर्फ है, क्या बोलते हैं ग्लेशियर, ये पिघल के बाढ़ का रूप लेता है। और क्या खतरनाक जम रखा है यार ये तो, ये धीरे धीरे पिघल रहा है। ये देखो थोड़ा सा टच कर लेते हैं यार, वापस पता नहीं कब आएंगे। ये देखो पिघल रहा है धीरे धीरे ग्लेशियर। हाँ भैया कितना बड़ा ग्लेशियर है, देखो वहां तक पूरा ऊपर तक फैला हुआ है। क्या भैया मजा आ रहा है? बहुत बढ़िया एकदम। ये वो पिघल रहा है। साइड साइड आप थोड़ी खतरनाक फिसलन आ गई यार, जब से गीला हो जाता है ना हालत खराब हो जाती है भाई साहब। भैया को देखो ये भी शॉर्टकट मार रहे हैं भाई साहब पिट्ठू लेके। अब देखो पूरे बादल छा गए, बादलों के अंदर पहुंच गए हम। जहां मैं खड़ा हूँ वहां पे भी बादल है। देखो अभी ग्लेशियर था, ग्लेशियर कैसा दिख रहा है, और बादलों में पहुंच गया। अब यहां से 4 किलोमीटर केदारनाथ और है। रेनकोट खरीद लिया था मैं, फायदे में रहा, आप भी खरीद के लेके आना। बारिश होने के बाद ऐसा रास्ता हो जाता है।
अभी एक घंटे बारिश होने के बाद अब जाके रुकी है, हाथों में सर्दी लग रही है बस। यहाँ पे आपको रहने के लिए टेंट भी मिल जाएगा, अगर किसी को शेयरिंग टेंट में चाहिए तो शेयरिंग टेंट मिल जाएगा। चार्जेस भी मैं अभी बता दूंगा पूछ के, और पर्सनल टेंट मिल जाएगा, होटल मिल जाएगा, हॉस्टल मिल जाएगा, एक हॉल है उसमें रहने को मिल जाएगा, तो सारी चीज अलग अलग है। बोले केदारनाथ महाराज की जय, जयकारा वीर बजेंगे हर वाले, बोल शंकर भगवान की जय। बस शंकर भगवान की दुआ से आ गए इतनी दूर, और चलते हैं और 2 किलोमीटर की बात रही भाई, 2 किलोमीटर और है। जय बाबा। फाइनली 17-18 किलोमीटर का ट्रैक करके केदारनाथ मंदिर पहुंच गए हम, केदारनाथ भोले बाबा के चरणों में पहुंच गए। और ये पीछे टेंपल केदारनाथ, ये अपन टेंट लगाएंगे इधर ही कहीं लगा लेंगे अपना टेंट और सोएंगे बढ़िया। आओ इधर मिलते, काफी थक गया अब। धर्मशाला में ठहरे हुए हैं, कृपया यदि मेरी आवाज सुन रहे हो तो आप सारे विवेकानंद धर्मशाला में चले जाएंगे। गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड नाइट। और ये अपना टेंट लग गया इधर, और ये टेंट के जस्ट पास में केदारनाथ मंदिर, मंदिर के जस्ट पास में सो रहे हैं हम, टेंट ये रहा।